भाई अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दिमाग में ये वाली कट ऑफ लेके चलता और इसके अकॉर्डिंग फिजिकल की तैयारी करता। अगर आप कट ऑफ खेलते रहोगे इस टाइम पे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेके चलोगे, तो आपको फिजिकल में रिग्रेट होगा कि काश मैं पहले तैयारी कर लेता या पहले तैयारी कर लेती। तो क्या है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू SSCCP 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और मेरे फाइनल सिलेक्शंस भी हुए जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी निकाले हैं जो अगेन आपको आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहे होंगे। तो अब क्या होता है कि CPO 2024 का प्री हो चुका है, बहुत सारे लोग जो है आपको अलग अलग तरीके की कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। आप भी परेशान हो जाओगे, जो जिसके अच्छे नंबर होंगे, जो 150 पार कर रहे होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं तो अब तुम्हें बोलूंगा 100% फिजिकल की तैयारी कर लेना। ऑब्वियसली 150 तो ऑब्वियस है भाई, जो 150 प्लस कर देगा उसके दिल्ली पुलिस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते, मतलब वो रेस में है। जिसके कम है ये नहीं बोल रहा कि रेस में नहीं है, लेकिन 150 वाला तो ऑब्वियसली रेस में है। तो 150 प्लस मैंने पहले जब भी अपनी कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 150 सेफ स्कोर है, उसको लेके चलना। जिसके 150 से ऊपर वो 100% निकाल ले, 100% भाई फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। कैसे करनी है, क्या करनी है, लास्ट में बताता हूँ, पहले कट ऑफ के बताता हूँ। तो ये क्या है कि जिसके 150 प्लस है वो तो अपना आसानी से बढ़िया से तैयारी कर लो, लेकिन जो बॉर्डर पे है, जिसको लग रहा है यार मेरे 120 है, 25 है, 30 है, पिछली 2023 में तो प्री में इतनी कट ऑफ गई थी, जिसको लग रहा है मेरे 115 है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो या कैटेगरी की हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं बॉर्डर पे मैं तैयारी करूं ना करूं, तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तैयारी स्टार्ट कर लेना। अगर तुम्हें जरा सा भी लग रहा है ना, मैं बोलूँ अगर आधा परसेंट भी लग रहा है कि हाँ भाई मेरी तैयारी मतलब मेरे मार्क्स बॉर्डर पे है, मेरा प्री क्लियर हो सकता है, तो भाई 101% फिजिकल की तैयारी करना, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट होता है। बाद में बच्चे रोते हैं कि यार काश मैं थोड़े दिन पहले फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लेता या कर लेती, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसा ही हुआ था और CPOs में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार बॉर्डर पे है, नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, इसी में अपने दिन वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब पता लगता है कट ऑफ आई, उनका फिजिकल के लिए नाम आ गया, फिर इधर उधर बावलों की तरह घूमते रहते हैं कि हाँ भाई यार कोई फिजिकल निकलवा दे, कोई कितने भी पैसे ले ले यार फिजिकल निकलवा दे, पैसे ले ले इन सेंस अकेडमी वाला कोई भी पैसे ले ले यार, सर बस फिजिकल निकलवा दो, प्रिपेयर करवा दो, ये कर दो वो कर दो, और फिर लास्ट में निकलता भी नहीं उनका, फिर रिग्रेट करते हैं कि काश पहले तैयारी कर लेता या कर लेती। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये गलती मत करना, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से भी एक्सपीरियंस मिला है मेरे को, कि अगर बॉर्डर पे नंबर है तो 100% फिजिकल की तैयारी करो। अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल रहा है ना कि भाई फिजिकल में नाम आ सकते तो जरूर तैयारी करना। और सबसे बड़ी बात कि ये मत सोचना यार पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी, इतनी गई थी, ये गई थी, वो गई थी, हर साल पेपर का लेवल अलग होता है, हर साल कंपटीशन अलग होता है, किसी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कट ऑफ जाती है ये नहीं जाती, ठीक है, सब बस मार्जिन बता देते हैं। तो अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं अगर 120 मेरे नंबर होते, अगर 130 लड़कियों के नंबर है तो कन्फर्म है, आप मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फिजिकल की तैयारी कर दो। लेकिन अगर मैं होता, चाहे मैं XYZ कैटेगरी का होता, चाहे मैं XYZ जेंडर का होता, मतलब चाहे लड़का लड़की होता या मैं किसी भी कैटेगरी का होता, अगर मेरे 120 प्लस आ रहे हैं रो स्कोर, अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मेरा रो स्कोर 120 प्लस आ जाएगा, तो मैं 100% फिजिकल की तैयारी करता। हाँ अगर मैं SC ST का बता देता हूँ कि जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर मेरा 100 भी होता ना, मैं तब भी तैयारी करता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस अगर मेरा 100 स्कोर भी होता ना, चाहे मैं लड़का हूं तो मैं 100% तैयारी करता, लड़की हूं तो फिर मैं 110 के आसपास अगर मेरा SC ST का स्कोर जा रहा है फीमेल में, तो मैं 100% फिजिकल की तैयारी करता। फिजिकल में नाम आए ना आए वो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा जिसके 120 नंबर है मेल फीमेल में फिजिकल की तैयारी करो, और जो SC ST कैटेगरी के जिनके 100-110 नंबर है फिजिकल की तैयारी करो, मैं तुम्हारे ऊपर ये डिसीजन छोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं होता तो मेल फीमेल में अगर 120 मेरे नंबर आ रहे हैं, XYZ कोई सी भी कैटेगरी हो, मैं 100% फिजिकल की तैयारी करता। अगर मेरे SC ST कैटेगरी से 100-110 आ रहे हैं रो स्कोर, तो मैं 100% फिजिकल की तैयारी करता, चाहे मेल हूं चाहे फीमेल हूं। मैं अपना बता रहा हूं, मैं ऐसे चलता था, मैं दूसरों की तरह नहीं बताऊंगा इतने नंबर है तो कर लो तैयारी कर लो, इतने नहीं है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम भाई। क्योंकि अगर मैंने डेफिनेट कोई भी आपको कट ऑफ बता दी ना, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं गई, तुम ही गाली दोगे, अरे सर आपने तो बोला था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, हमने एकेडमी में पैसे दे दिए, हमारा उसमें नंबर नहीं आया, या हमने फिजिकल की तैयारी खामा खा स्टार्ट कर दी, इतने तो हम किसी दूसरे पेपर का पढ़ लेते, तो ऐसा भाई ये फिर मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूं। मैं बस अपना बता रहा हूं, अगर मेरे इतने नंबर होते मैं फिजिकल की तैयारी करता, बाकी आप लोग समझदार हो, आपको करना है तो कर लेना, जो कर लेगा और ना फिजिकल में नाम आ गया वो दुआई देगा,
जो नहीं करेगा और फिर फिजिकल में नाम आ गया तो वो बोलेगा अरे सर ने बोला था कर लेते, या फिर जो जो अगर कट ऑफ भगवान करे थोड़ी सी ज्यादा चली गई और फिजिकल का तुमने तैयारी स्टार्ट कर दी तो तुम्हारा ही थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, फिजिकल तुम्हारा ही थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। घर में पड़े पड़े पेट निकालने से क्या फायदा, ग्राउंड में चले जाओ दो चार चक्कर मार लो, धीरे धीरे स्टार्ट कर लो। ठीक है, मैंने बता दिया अगर इतने नंबर होते तो मैं पक्का फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करता। अब जो बच्चों के अच्छे नंबर है जो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो, वरना एक डिटेल्ड वीडियो में कुछ ही दिनों में कि आप अगर आपके आसपास कोई अकेडमी नहीं है या कोई ग्रुप नहीं है भागने के लिए, अगर आप खुद ही तैयारी करना चाह रहे हो तो कैसे आप भाग सकते हो, क्या रूटीन चाहिए आपको, क्या डाइट चाहिए, क्या वर्कआउट फॉलो करना है, वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्द इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, अपने में दो चार दिन में ही डाल दूंगा, वरना मैंने 2023 के लिए भी डाली थी, आप वो देख सकते हो। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि और दूसरी चीज जो कोई ग्रुप नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, खुद ही तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और ऑलरेडी डाल रखे वो देख लेना। लेकिन अगर जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं, ठीक है, अगर दिल्ली में रहते हो तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारे आसपास कोई अकेडमी है या कोई ग्रुप है तो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरा क्या था, मेरे ना 6.5 मिनट अपने को चाहिए सीपीओ में, मेरी 6 मिनट आती थी, फिर भी मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी, क्योंकि बिना अकेडमी ज्वाइन करे आप अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर सकते, आप अपने कंफर्ट जोन में भागते रहोगे और ये आपके लिए बहुत बड़ा लूप होल होगा, बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा फिजिकल क्लियर करने के लिए। ठीक है, आसपास अगर कोई एकेडमी है उसको ज्वाइन कर लो, कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप भाग रहा है दोस्तों का, उनके साथ भाग लो, क्योंकि दूसरों के साथ भागोगे एक अलग से मोटिवेशन भी होती है कि यार ये भाग रहा है, ये साला भाग रहा है, मैं कैसे नहीं भाग सकता, या ये भाग रही है मैं कैसे नहीं भाग सकती। ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव मोटिवेशन होता है वो, या फिर और ये होता है कि यार अगर ग्रुप बहुत सारे ग्रुप मतलब अगर दो चार बंदों में भाग रहे हो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई मन करता है भागने का फिर। ठीक है, ये नहीं है कि यार आज भाग रहा हूँ कल नहीं भाग रहा है, आज रेस्ट ले लेता हूँ सुबह भाग रहा हूँ शाम को नहीं भाग रहा, या फिर यार मतलब जी कटता है थोड़ा फिर भागने से अगर अकेले भागते हो तो। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जैसे मेरी 6 मिनट आई थी मैं फिर भी अकेडमी गया, अगर आपके आसपास कोई ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, कोई अकेडमी है उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जो लोग मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेरी हसल फॉर फिजिकल करके एकेडमी है, ये द्वारका सेक्टर 14 जो वेगस मॉल है इसके पास डीडीए पार्क है, इसमें हम वर्कआउट कराते हैं। मेरा एक दोस्त है गगन थापा, उसका कांटेक्ट नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी वीकली आता रहता हूँ इसमें अपडेट लेने के लिए, क्या है क्या नहीं, अपना एक ग्रुप भी है उसमें मैं गाइड करता रहता हूँ, और ये जो ट्रेनर है जो इस एकेडमी में कराते हैं ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इनकी खुद की 1605 मिनट में आती थी, अब थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि 5:30 आ जाएगी अभी इतना भी डाउन नहीं है, लेकिन वो अपने टाइम पे बढ़िया अच्छी तैयारी करी है, इनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, हम एक साथ भागते थे, मेरे को पता है ये रिलायबल बंदा है, इसलिए मैंने इनके साथ मिलके ये चीज स्टार्ट करी है, ताकि जो लोग पेपर में पेपर निकाल लेते तो फिजिकल में रह जाते हैं उनके साथ ऐसा ना हो, अपना फिजिकल अच्छे से क्लियर कर सको, इस वजह से एकेडमी स्टार्ट करी है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग अवेलेबल है, ऑफलाइन हो गए तो आप मेट्रो है कन्वीनियंट, दिल्ली में रहते हो कहीं से भी अप डाउन कर सकते हो मेट्रो से, द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ये अपना पार्क है, तो इसी में करते हैं, बच्चे अभी भी आ भी रहे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी है, आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन में ये है कि शेड्यूल आपको प्रॉपर मिल जाएगा, डाइट बता दी जाएगी और हर रोज आपसे अपडेट ली जाएगी और हर रोज वीडियो कॉल के थ्रू आपको एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, तो वो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आप इससे एसी का गगन का ही कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे बात करोगे आपको सब समझा देगा कि कैसे सीन है कैसे नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चार्जेस है वगैरह, ये सब गगन बता देंगे आपको। और ये बस मेरा मेन पर्पस एकेडमी का यही था कि यार बंदों ने मेरे को पता है कितनी मेहनत से रिटर्न निकलता है, और जब फिजिकल में रह जाते हैं ना बहुत ज्यादा दुख होता है, तो ये दुख ना हो इस वजह से एकेडमी मैंने स्टार्ट करी है, और मैं खुद पर्सनली आप लोगों के टच में रहूंगा, इसमें अपडेट लेता रहूंगा और टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा इस एकेडमी में। हसल फॉर फिजिकल एकेडमी है जो दिल्ली में रहे, अकोमोडेशन भाई देखो बाहर से आने का कोई फायदा नहीं है, मेरे पास कोई अकोमोडेशन है, मैं कोई इतने बड़े लेवल पे एकेडमी चला नहीं रहा, मेरा बस ये है जो आसपास के बंदे हैं और जिन्होंने रिटर्न क्लियर करा है, चाहे वो जीडी का हो सीपीओ का हो XYZ कोई भी एग्जाम का हो, उनका फिजिकल ना रुके बस, इसलिए मैंने स्टार्ट करी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, बैनर दिख रहा होगा, और कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो जैसा भी होगा, बाकी अपना अच्छे से तैयारी करो, वीडियो मैं जल्दी डाल ही दूंगा, जिसको खुद ही तैयारी करनी है क्या डाइट है क्या वर्कआउट है वो जल्दी ही वीडियो डाल दूंगा मैं।
ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।